अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रोल ऑफ सॉइल बायोटा, एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 85। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोटा की। बायो मीन लाइफ, तो बायोटा क्या है कि ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं उन तमाम की ज़िंदगी को हम बायोटा कहते हैं। यानी वो तमाम जानदार जो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम बायोटा कहते हैं और उनको हम सॉइल बायोटा कहते हैं। तो जो जानदार ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं वो ज़मीन के अंदर क्या क्या किरदार अदा करते हैं और उनका ज़मीन के अंदर मौजूद होना हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और किस तरह से नुकसानदेह है, इस टॉपिक में बेसिकली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो रिसाइकलिंग ऑफ द एनर्जी, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू इनटू द फॉर्म्स दैट आर पोटेंशियली यूजफुल फॉर लिविंग प्लांट इज़ द की रोल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस काम आते हैं कि ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है कि वो ज़मीन के अंदर क्या काम करते हैं कि जब भी किसी जानदार की डेथ हो जाती है, कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई दूसरा जानदार है या इंसान है, जब उसकी डेथ होती है तो वो ज़मीन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं या जो जानदार ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, उस पौधे की या उस जो जानवर है उसकी बॉडी में मौजूद जो एनर्जी होती है, जो कार्बन्स होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो ज़रूरी अज्जा होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल का मतलब होता है उसको किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसी शेप जो कि यूज़फुल होती है, जिसको वो बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दूसरे पौधों के लिए, जो कि ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी अगर कोई एक पौधा ज़मीन के ऊपर गिर गया है और वो मरा हुआ पौधा है तो उस पौधे की सेलुलोज को, उस पौधे की लिग्निन को, उस पौधे की कार्बन को, उस पौधे के न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन एब्जॉर्ब करती है। किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस तमाम चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, फिर उसे यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि उसको रिसाइकल करके अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करते हैं और ज़मीन की ज़रूरत पूरी करते हैं, ताकि ज़मीन के अंदर जो बाकी दूसरे जानदार हैं वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और ज़मीन के ऊपर जो दूसरे पौधे जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको जो है ज़मीन से ज़्यादा मिनरल्स और ज़्यादा कार्बन जो है वो मिल सके। दस फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल दैट मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। इसी तरह से ये एक प्रोसेस चलाते हैं, एक अमल को शुरू करते हैं जिससे ज़मीन की जो बका है वो जारी रहती है। इन दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये ऑर्गेनिजम्स क्वाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा जो है कदरे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अहम है। सो पहला पैराग्राफ बताने का मकसद ये है कि अगर कोई जानदार या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई प्लांट है या कोई जानदार मर जाता है तो वो मरा हुआ जानदार भी ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है। किस लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको आप बायोटा भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, इस जानदार की बॉडी में से जो फोत हो गया है, जो मर गया है, इस डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से तमाम ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो निकाल लेते हैं, उसको ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं, ताकि ज़मीन की प्रॉपर्टी में इजाफ़ा हो, ज़मीन की सरखेज़ी में इजाफ़ा हो, ज़मीन पे अच्छे प्लांट्स ग्रो करें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर रह रहे हैं उनको अच्छी खुराक मिले। इस तरह से ये आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट। इंसान ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उसका माहौल जो है वो आलूदा हो गया है। चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, चाहे आप पानी को ख़राब करने की बात कर लें, केमिकल्स का इस्तेमाल की बात कर लें, आप ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों की बात कर लें, तमाम के केसेस की वजह से आपका माहौल किसी ना किसी हद तक जो है वो नुकसान में गया है, आलूदा हुआ है। विद अ वाइड वैरायटी ऑफ सिंथेटिक या प्रोसेस्ड कंपाउंड, यानी बहुत सारे केमिकल्स इंसान ने खुद बना दिए हैं। बहुत सारे केमिकल नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत सारे केमिकल्स इंसान ने खुद बना दिए हैं जिसमें रेडिएशंस हैं, जिसमें बहुत सारी गैमा रेज हैं, बहुत सारे धुआं है, स्मोक है, जो कि आपके माहौल को किसी न किसी तरह से ख़राब कर रहे हैं। मैनी ऑफ दीज हैजार्डस क्या होता है, जो नुकसान पहुँचाने वाले तबाहकुन केमिकल्स होते हैं उनको आप हैजार्डस कहते हैं, या टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी डिग्रेडेड बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से बहुत सारे माइक्रो जो आपके नुकसानदेह प्रोडक्ट्स होते हैं
उन प्रोडक्ट्स को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको रिसाइकल करते हैं, उनको हेल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उन केमिकल्स को, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी केमिकल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो वो क्या करते हैं, लेकिन वो पॉइजनस फॉर्म में बनाया गया है, तो जब ये पॉइजनस फॉर्म का मटीरियल या केमिकल आपके एनवायरमेंट के अंदर जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस केमिकल को रिसाइकल करते हैं, इसकी डिग्रेडेशन करते हैं, और उसके अंदर से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए एक तरह से फ़ायदे का बाइस भी बनते हैं। लेकिन सब के सब केमिकल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिसाइकल नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड केमिकल्स होते हैं जिसके जिन जिस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिसाइकल कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया करें, चाहे वो फंजाई करें, चाहे वो एल्जी करें, चाहे वो प्रोटोजोवा करें। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट बिटवीन वेरियस फॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर कन्वर्ट करना। तो जब आप रिसाइकल करते हैं तो आप एक पुरानी चीज़ को नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका ये काम होता है कि ये बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ को, जो कि आपकी बॉडी के लिए या आपके एनवायरनमेंट के लिए अब ज़रूरी नहीं रही, उसको रिसाइकल करके ज़रूरी चीज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी सॉइल के अंदर, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जहाँ वो आप में बीमारियाँ पैदा करते हैं उन, तो वो आप में बहुत सारे फ़ायदे भी पैदा करते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा जो है वो है कि रिसाइकलिंग करना पुरानी चीज़ों की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन साइकिल। ठीक है, ये साइकिल ज़रा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में भी और आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में भी। कार्बन साइकिल का क्या मतलब है कि जो कार्बन आपके एनवायरनमेंट के अंदर या जानदारों की बॉडी के अंदर कार्बन मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कार्बन को कैसे रिसाइकिल करते हैं, यानी सपोज करें कि आपकी बॉडी है, ठीक है, कोई भी जानदार है, तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर कार्बन मौजूद होती है, तो क्या जब वो जानदार मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो कार्बन उनकी बॉडी के साथ साथ ही दुनिया से ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कार्बन, वो कार्बन किसी काम नहीं आती? तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब भी किसी प्लांट की या किसी एनिमल की या किसी भी इंसान की डेथ होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर कार्बन मौजूद होती है। जब वो जानदार मरता है तो वो कार्बन कहाँ जाती है? वो कार्बन, क्योंकि वो जानदार ज़मीन के अंदर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कार्बन कहाँ जाती है, वो पूरा का पूरा जानदार ज़मीन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस जानदार के ऊपर अटैक करते हैं, उस जानदार की तोड़फोड़ करते हैं, उसकी बॉडी की डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन करने के बाद उसकी बॉडी से कार्बन को निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अब कार्बन क्या किया कि मरे हुए जानदार की बॉडी से कार्बन को निकाल लिया गया, फिर क्या करते हैं, फिर आपको पता है कि आपके जो मिट्टी है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो क्या करते हैं, उस कार्बन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, और क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको आप कहते हैं ह्यूमस। ठीक है जी, यानी जब भी कोई जानदार, किसी जानदार की डेथ होती है, तो उस डेथ की वजह से जब उसकी कार्बन उसकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ कराते हैं, तो उस कार्बन से वो दो चीज़ें बनाते हैं। पहली चीज़ ये कि उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, वापस आपके एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, हवा के अंदर चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। उस हवा को या उस ज़मीन के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे भी इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के आप मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि उससे ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस को आप कह सकते हैं खाद। ठीक है, खाद क्या होती है, खाद मजमुआ होता है मिनरल्स का, बहुत सारे मिनरल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे आप कहते हैं ह्यूमस। आपको पता है कि इंसान की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं होती, बल्कि और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जब इंसान की बॉडी के अंदर से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी इंसान की बॉडी से निकाल लेते हैं, और उसको कार्बन के साथ मिक्स करके एक खाद की शक्ल में ज़मीन के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उस खाद को आप कहते हैं ह्यूमस। और ये ह्यूमस किस काम आती है, ये ह्यूमस जो है वो आपकी ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करती है, क्योंकि ये आपकी ज़मीन में मिनरल्स ऐड करती है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़मीन के अंदर ऐड करती है। किससे ऐड करती है, एक मरे हुए जानदार से। कौन ऐड करवाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कराते हैं। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन या एक कार्बन जो कि
एक जानदार की वजह से ख़त्म हो गई थी, एक जानदार की बॉडी का हिस्सा थी, उसके मरने के बाद वो ख़त्म हो गई। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो ये कार्बन कभी भी आपकी रिसाइकल नहीं हो सकती, ये कार्बन कभी भी आपकी सॉइल के अंदर नहीं जा सकती। इंसान की बॉडी एज सच पड़ी रहेगी, उसके अंदर से जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो रिसाइकल नहीं होंगे, वो दोबारा से ज़मीन का हिस्सा नहीं बनेंगे और ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो नहीं बढ़ेगी। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए फ़ायदेमंद है कि वो क्या करते हैं, वो कार्बन साइकिल करते हैं। कार्बन साइकिल को मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ कि कार्बन साइकिल क्या है, कि एक गैर ज़रूरी कार्बन को ज़रूरी कार्बन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना। यानी जब इंसान मर गया है तो कार्बन उसकी बॉडी में किसी काम की नहीं है, मिनरल्स उसकी बॉडी में किसी काम के नहीं है, तो उसकी बॉडी की उस कार्बन को, उस मिनरल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करते हैं और उसको इस काबिल बना देते हैं उस कार्बन को, उस मिनरल्स को, कि वो आपकी ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जब ज़मीन को फ़ायदा पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली जानदारों को फ़ायदा पहुंचता है, ऑटोमेटिकली प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है, जो आपका इन्वायरमेंट है उसको फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, इसको आप कहते हैं कार्बन साइकिल। ह्यूमस इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ह्यूमस क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है आपकी ज़मीन की उसको बेहतर बनाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़मीन को नम रखता है। खाद क्या करती है, जब आप किसी पौधे के अंदर खाद ऐड करते हैं तो खाद का क्या काम होता है कि वो आपके पौधे को नम रखती है, आपके पौधे में पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, उसको ग्रो कराने में हेल्प करती है। इसी तरह से जब ह्यूमस को आप खाद समझ सकते हैं, ये क्या करती है, ज़मीन की फर्टिलिटी में जो है इजाफा करती है। सप्लाईज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पौधों को, जो पौधे ज़िंदा होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनको ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करती है। एंड कंट्रीब्यूट टू सॉइल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। तो सॉइल एग्रीगेट का क्या मतलब है कि तमाम पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ने में हेल्प करती है। जब पानी किसी चीज़, अगर आपके पास पानी ना हो तो मिट्टी क्या होती है, पार्टिकल्स अलहदा अलहदा मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल कहीं है, एक पार्टिकल कहीं है, एक पार्टिकल कहीं है, लेकिन अगर आप उसके अंदर पानी ऐड कर दें, आप उसके अंदर खाद ऐड कर दें, तो खाद का बेसिक पर्पस क्या होता है कि खाद आपकी जो सॉइल होती है उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन है, जो आपकी मिट्टी है, वो इकट्ठी हो जाती है, एक साथ जुड़ जाती है, और आपके प्लांट्स को या जो आपके जानवर हैं उनको पानी को एब्जॉर्ब करने में ज़मीन से हेल्प मिलती है। तो इसको आप कहते हैं कार्बन साइकिल, कि किस तरह से एक गैर ज़रूरी कार्बन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ज़रूरी कार्बन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसान का बाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप में बीमारियाँ पैदा नहीं करते, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से अच्छे काम भी करते हैं। जिसमें आपने एक तो रिसाइकिलिंग का प्रोसेस पढ़ा है पीछे, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या जो आपके सॉइल बायोटा हैं वो किस तरह से रिसाइकिल करते हैं चीज़ों को, और एक चीज़ आपने अब एक जो दूसरी चीज़ है वो आपने ये पढ़ी है कि कार्बन साइकिल, कि वो किस तरह से एक डेड जानदार की बॉडी से कार्बन को जो है वो गैर ज़रूरी कार्बन को निकालते हैं और उसको दो चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ जो है वो ह्यूमस। इसमें एक से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो पूछ सकता है मैक्सिमम एमसीक्यूज़ में कि जो कार्बन साइकिल होता है उसमें कार्बन जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है। तो आपने जस्ट दो ऑप्शन बताने हैं कि एक तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि हवा में चली जाती है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन में भी रह जाती है क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ज़मीन से, और दूसरी चीज़ जो है वो होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि नमकियात, मिनरल्स, ठीक है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में खाद भी कह सकते हैं, कि वो ह्यूमस प्रोवाइड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है, और किसकी मदद से ये सब होता है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर कोई फ़ायदा आपसे पूछे तो आप उनको ये वाला फ़ायदा जो है वो बता सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।